फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही प्यारी टैटिन की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से बनेगी। यहाँ पे मैंने रेड कलर का एंकर का थ्रेड लिया हुआ है। इसका नंबर है 0047। ये देखिए, ये अंदर लिखा हुआ है 0047। इसको बनाने के लिए सबसे पहले अपनी शटल पर थ्रेड भर लीजिए। डिज़ाइन बनाने से पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, ये वाला रिंग बनेगा। यहाँ पे मैंने बीट्स डाली हुई है। रिंग बनाने के बाद फिर हम ये सेमी सर्कल बनाएंगे और फिर जो हमने ये दो पिकॉट बनाए थे इस रिंग पे, उससे हम इस रिंग को अटैच करेंगे। फिर से हम ये सेमी सर्कल बनाएंगे और फिर से ये रिंग बनाकर, फिर ये सेमी सर्कल बना के, फिर नीचे की छोटी चेन बना के फिर से इस रिंग पर आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन इस तरह से चलती जाएगी। ये डिज़ाइन 2 लेयर्स में बनेगी। तो इसका पहला पार्ट ये है जो कि इस तरह से बनेगा। पहले ये रिंग बनाया, उसके बाद ये सेमी सर्कल, रिंग, सेमी सर्कल, रिंग और सेमी सर्कल। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए पहले हम इस डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बना रखी है, लेकिन स्टार्ट जहाँ से किया है वहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाया है। सबसे पहले शटल से बनाइए 3 डबल स्टिच। मैंने लाल रंग के थ्रेड के साथ में लाल रंग की बीट्स ही करी है, जो बहुत ही सुंदर दिख रही है। आपको अगर अपने थ्रेड के हिसाब से आप अपनी बीट्स चूज़ कर सकते हैं। 3 डबल स्टिच के बाद बनाइए। अब हम इसमें एक बीट्स डालेंगे। बीट्स हम नीडल की हेल्प से डालेंगे। इसे शटल पास कर दीजिए। जी देखिए, इसमें बीट्स आ गई। अब हम बनाएंगे 3 डबल स्टिच। थ्री डबल स्टिच के बाद अब हम इसमें 3 बीट्स डालेंगे। थ्री बीट्स को ट्रायंगल की शेप में पकड़ के इसमें नॉट लगा दीजिए। फिर से बनाइए 3 डबल स्टिच। ये देखिए, हमारे ट्रायंगल की शेप में बीट्स आ गई। 3 डबल स्टिच के बाद इसमें फिर से 1 बीट्स डालिए। फिर से हम नीडल की हेल्प से डालेंगे। अगेन 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, अगेन 3 डबल स्टिच, 1 पिकॉट। टोटल 3 पिकॉट बनेंगे। 3 डबल स्टिच, 3 थ्रेड खींच दीजिए और 1 रिंग बनाइए। ये देखिए, इस तरह से रिंग 1 बन गया है। अपने डिज़ाइन को इस तरह से पकड़िए, गोले के धागे को फिंगर पे नीचे से ले जाके, ये देखिए, डिज़ाइन के नीचे से लेकर फिंगर पर लपेटिए और शटल के धागे से बनाइए 8 डबल स्टिच पास में ले जाकर। ये 8 डबल स्टिच करके मैंने पिछले पिकॉट में बीट्स डाल के इसको ज्वाइन कर दिया और फिर से हम बनाएंगे 8 डबल स्टिच। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद शटल के धागे से बनाइए 3 डबल स्टिच। पास में ले जाकर
थ्री डबल स्टिच के बाद अब इसमें थ्री बीड्स डालेंगे यहाँ पर शटल के धागे पे नीडल की हेल्प से। नीडल पास कर दीजिए और इससे शटल निकालिए। अब इसको ट्रायंगल शेप में पकड़ के थ्री डबल स्टिच नॉट लगाइए। ये देखिए इस तरह से आ गया थ्री डबल स्टिच। थ्री डबल स्टिच के बाद हमने जो पहला रिंग बनाया था ये वाला, इसमें ये थ्री पिकॉट बनाए थे, तो पहले पिकॉट में बीड्स डाल के इसको अटैच कीजिए। देखिए इसमें कैसे बीड्स डालेंगे। डिज़ाइन को इस तरह से पकड़ लीजिए। ये देखिए ये पहले वाले पिकॉट में हम पहले बीड्स डालेंगे। ये पिकॉट है, पास से देखिए इसमें ये नीडल की हेल्प से बीड्स डालिए। ये देखिए इस तरह से इस पर आ गया पिकॉट पर। अब हम नीडल निकाल लेंगे अपनी। अब इसको क्रोशे की हेल्प से लेके शटल के धागे को पकड़ लीजिए। फिर से बनाइए थ्री डबल स्टिच। अब फिर से थ्री बीड्स डालिए इस रिंग में। दोनों साइड हमने इसके थ्री थ्री बीड्स डाल दिए हैं। अब इसको फिर से ट्रायंगल शेप में पकड़ के थ्री डबल स्टिच कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से आ गया। थ्रेड खींच दीजिए। ये एक छोटा सा रिंग इस तरह से बन गया। अब डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। गोले के धागे को फिंगर पर लपेटते हुए बनाइए थ्री डबल स्टिच। थ्री डबल स्टिच के बाद वन पिकॉट, अगेन थ्री डबल स्टिच। वन पिकॉट, थ्री डबल स्टिच। पिकॉट, टोटल हमें इस तरह से सिक्स पिकॉट बनाने हैं। सिक्स पिकॉट हो गए, फिर लास्ट में थ्री डबल स्टिच करके सेमी सर्कल कंप्लीट किया। अब गोले के धागे को खोल दीजिए और शटल से बनाइए थ्री डबल स्टिच। पास में ले जाके ये देखिए जो हमने पहला रिंग बनाया था ये वाला, इस जहाँ पे हमने थ्री बीड्स डाली थी वहीं से इसको निकालना है। ये देखिए इस तरह से हमने थ्री बीड्स के बीच में से निकाल लिया। अब फिर से थ्री डबल स्टिच बनाइए। थ्री डबल स्टिच के बाद बड़े वाले रिंग के, जो ये वाला रिंग था बड़ा वाला, उसके सेकंड पिकॉट से इसको बीड्स डाल के फिर से अटैच कीजिए जैसे हमने पहला वाला अटैच किया था। तो पहले इसके पिकॉट में बीड्स डाल दीजिए, फिर से थ्री डबल स्टिच। और फिर से थ्री बीड्स डालिए। थ्री बीड्स के बाद फिर से थ्री डबल स्टिच। ये देखिए हमारा पूरा सर्कल इस तरह से बना। थ्री डबल स्टिच, पिछले वाले रिंग के थ्री बीड्स के रिंग से निकाला, फिर थ्री डबल स्टिच अटैच किया, थ्री डबल स्टिच, थ्री बीड्स डाली और फिर थ्री डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट किया। थ्रेड खींच दीजिए। ये देखिए डिज़ाइन हमारी इस तरह से बनकर आ गई। अब फिर से डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। गोले के धागे को फिंगर पर लपेटते हुए शटल से बनाइए एट डबल स्टिच।
वन पिकॉट, अगेन 8 डबल स्टिचेस। एट डबल स्टिच के बाद हमने जो ये बड़ा रिंग बनाया था इसका एक पिकॉट ये वाला रह गया अभी। दो पिकॉट में हमने दो रिंग अटैच कर दिए हैं, इस वाले में अब इसको अटैच करना है, लेकिन इससे पहले इसमें भी बीड्स डाल देते हैं। ये हमारा एक मोटिव कंप्लीट हो गया, ये देखिए। आप डिज़ाइन को फिर से फ्लिप कीजिए और नीचे की छोटी चेन बनाइए गोले के धागे को शटल पर लपेटते हुए। 3 डबल स्टिच, एक बीट्स डालिए, शटल पास कर दीजिए, अगेन 3 डबल स्टिच। अब 3 बीट्स डालिए, ट्रायंगल के शेप में बीट्स को पकड़ लीजिए और फिर से बनाइए 3 डबल स्टिच। थ्री डबल स्टिच के बाद इसमें फिर से बीड्स डालिए, अगेन 3 डबल स्टिच। ये देखिए नीचे की सेमी सर्कल कंप्लीट हो गई, छोटी वाली चेन कंप्लीट हो गई है। अब डिज़ाइन को हम फिर से फ्लिप करेंगे, हमारा ये एक मोटिव कंप्लीट हो चुका है। फ्लिप करने के बाद हम फिर से ये वाला रिंग बनाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में बड़ा रिंग बनाया था। तो शटल के धागे से बनाइए 3 डबल स्टिच, एक बीड्स डालिए, अगेन 3 डबल स्टिच। अब 3 बीट्स चलेंगे, पहले 1 फिर 3 फिर 1, वन पिकॉट, अगेन 3 डबल स्टिच, वन पिकॉट, 3 डबल स्टिच, वन पिकॉट और 3 डबल स्टिच। टोटल हमारे 3 पिकॉट्स का ये रिंग बनेगा। थ्रेड खींच दीजिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये बड़ा रिंग बना और इसी रिंग पे हमारी बाकी डिज़ाइन अटैच होगी। दो छोटे रिंग बना के हम दोनों पिकॉट पे अटैच करेंगे और एक सेमी सर्कल हम इसमें अटैच करेंगे बीड्स डाल के। अभी फिर गोले के धागे को लपेटते हुए फिंगर पे शटल से बनाएंगे 8 डबल स्टिच और इस वाले पिकॉट से अटैच करेंगे पिछले मोटिव के, इसमें भी एक बीड्स डाल दीजिएगा। इस तरह से ये हमारी पूरी डिज़ाइन बनती चली जाएगी। आप इसे इस लेस को जितनी लंबी आपको चाहिए उतना लंबा बनाइए और इसको अपने ड्रेस में लगाइए। देखिए यहाँ पर मैं आपको ब्लैक मोती पर समझाती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ब्लैक बीड्स डाली थी तो इसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमने बीड्स डाली है। नीचे वाले बड़े रिंग में देखिए हमने पहले 1 बीड्स डाली है, फिर 3 डाली है, फिर 1 डाली है। साइड के दोनों पिकॉट में इधर 3 डाला है, इधर 3 और इधर 3। इस वाले 3 वाले बीड्स में हमने इन दोनों को एक साथ अटैच किया है इस तरह से। और नीचे वो जो छोटी चेन बनाई है वहाँ पे 1 3 और 1 के सीक्वेंस में हमने ये बीड्स डाली हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आप अपनी ये पूरी लेस कम्प्लीट कीजिए। ये आई होप कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। फ्रेंड्स ये हमारी इस डिज़ाइन का पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट मेरे सेकंड वीडियो में मिलेगा आपको, उसको ज़रूर देखिएगा। आई होप फ्रेंड्स ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।